गुड आफ्टरनून, दोपहर का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ आप सभी पहुंच रही है? कमेंट कैसे हैं आप सभी? आवाज़ जा रही है मेरी? भैया उसको घुमा दीजिए। चलिए, तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम आ चुके हैं और एजुकेशन के क्वेश्चन कराएंगे, 40 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन वो 40 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मेरी आवाज़ आप सभी तक जा रही है और आप सभी ने क्लास को शेयर कर दिया। और दूसरी सूचना ये है कि कल मंगलवार है, शुभ दिन है, और कल से 8 बजे की मॉर्निंग की जो क्लास है वो 5000 क्वेश्चन लेकर के हम लोग पार्थ एजुकेशन के फर्स्ट पेपर के 5000 की श्रृंखला जो आपको लगभग 60 दिन में पूरी कराई जाएगी उसको लेकर के आ रहे हैं। और कल मॉर्निंग से वो क्लास स्टार्ट होगी, कितने बजे से? 8 बजे मॉर्निंग से, ठीक है? तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आज आपसे आ रही है तो क्लास के स्टार्ट। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? टाइम न लेते हुए, क्लास में थोड़ा टाइम भी नहीं रहता है। प्रश्न नंबर एक में पूछा गया है, सूक्ष्म अध्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत है कौन सा कथन? पहले हिंदी, इसके बाद हाँ डेली क्लास होगी मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे डेली वो क्लास होगी। जो लोग ऐप में एडमिशन लिए हैं उन लोगों की क्लास ऐप में भी चलेगी, ठीक है? परेशान मत। 4 बजे सालू जी, 4 बजे से। जय माता दी। प्रश्न नंबर एक पूछा गया है, यह अध्यापन की विधि है, यह मूल अध्यापन कौशल है या प्रत्येक कौशल का अलग अलग अभ्यास किया जाता है? प्रश्न पूछना सूक्ष्म अध्यापन का एक घटक। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको आंसर करना है, ठीक है? आंसर करना है चारों में से आपको देख करके। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए क्या होगा इसका आंसर। अब अंग्रेजी में भी आपको अंग्रेजी में भी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग माइक्रो टीचिंग द फॉल्स, उसके बारे में गलत, ठीक है? इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, क्या ये पढ़ाने का शिक्षण का एक विधि है? क्या ये शिक्षण की एक विधि है? इट हैज बेसिस टीचिंग स्किल या इस स्किल ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जो माइक्रो टीचिंग के बारे में गलत है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूछा गया है गलत, ठीक है? माइक्रो टीचिंग की अगर बात किया जाए, 1961 ईस्वी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय इस विश्वविद्यालय में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में तीन नाम आते हैं। तो समझ के आंसर दीजिए, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना क्योंकि आप जल्दीबाजी में आप, ठीक है? एचिसन थे, कौन थे? एचिसन और इनके मित्र थे जिनका नाम उस था, और उसके साथ साथ एक नाम और था, एलन नाम था, ठीक है? एलन, इन तीनों ने मिलकर के माइक्रो टीचिंग के इन्होंने विकसित, माइक्रो टीचिंग क्या होता है? जिसमें समय को कम कर दिया जाए, क्लास के आकार को, और ये कौन करता है? छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका, यानी कि जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, सेवा पूर्व की बात होती है। क्या होती है? सेवा पूर्व की बात होती है। सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तु, ठीक है? और इसकी मान्यताएं हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रो टीचिंग जो होता है इसमें कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप होते हैं, 36 मिनट का होता है, ठीक है? 36 मिनट का किसने बताया? एनसीईआरटी ने बताया। पहले प्लान बनाया जाता है, प्लान के बाद शिक्षण, पहले प्लान, फिर शिक्षण, फिर बाद फीडबैक होता है, पुनः प्लानिंग होती है, पुनः शिक्षण होता है, पुनः फीडबैक होता है, इस तरीके से चलता है।
ठीक है। तो ये जो टीचिंग का है ये एक यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन में, एक अध्यापन की विधि नहीं होती है, मेथड नहीं है ये क्या होता है, एक प्रविधि होती है जिससे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्या करते अपने कौशलों का विकास कर क्या करते हैं अपने कौशलों का विकास करते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह मूल अध्यापन के कौशल विकसित किया जाता है, कौशलों को अलग अलग अभ्यास किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षक अभ्यास का प्रश्न पूछना है कौशल है। केलन और 14 अभ्यास कौशल बताए थे उन्होंने कौशलों को। समझ में आ रही बात, किसी को समस्या प्रश्न नंबर एक में, प्रश्न नंबर एक में किसी कोई समस्या किसी विद्यार्थी को? वॉइस कम आ रही है क्या भाई, कह रहे हैं वॉइस कम। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलें। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की नीति उसकी कक्षाओं में, भारत की नीति उसकी कक्षाओं में आकार ग्रहण कर रही है, क्या कर रही है, आकार ग्रहण कर रही है, यह किसने कहा था। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन, ये क्या है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन, ठीक है। किसका है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर हम बात करें तो इसी कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इसी को कोठारी आयोग कहा जाता है, कोठारी आयोग भी कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास या प्रगति जो भी कहिए, इस नाम से इसका प्रतिवेदन आया, किसका, कोठारी आयोग का। शिक्षा नीति ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करती है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ साथ डायट की स्थापना की बात करता है, किसकी, डायट की स्थापना की बात, डायट के साथ साथ नवोदय विद्यालय की स्थापना की, नवोदय विद्यालय की स्थापना की बात कौन करता है, ये 1986 करता है, ठीक है। 1986 के साथ साथ अगर हम ज्ञान आयोग की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2005, और 2005 की बात किया जाए 13 जून को आया, कब आया, 13 जून 2005 को आया राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन 2006 में प्रतिवेदन, 2007 में प्रतिवेदन, 2008 में प्रतिवेदन और संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में इन्होंने दिया, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन और राष्ट्रीय ज्ञान संप्रदाय 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय 15 विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करता है। और ये कहता है जिसको कोठारी आयोग कहते हैं, यानी कोठारी आयोग कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ ग्रामीण विश्वविद्यालय और यूजीसी की स्थापना की बात करता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा करेंगे, ये स्टेटमेंट का आंसर क्या है, यानी कि जो ये शिक्षा और राष्ट्रीय जो विकास था ये शुरू जो हुआ था भारत की नीति उसकी कक्षाओं को आधार देने, कोई समस्या किसी, आंसर क्या होगा, ए होगा। वॉइस थोड़ा सा देखिए भैया, बच्चे कह रहे हैं वॉइस पिच करिए, क्लास को शेयर लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इवान इली जान डेवी पाउलो फेरे बर्डिट रसेल, ये तीन तो चार नाम दिया गया है, ठीक है, और चार नाम दिया गया है, चार नाम में आपको बताना है इवान इलीज की पुस्तक कौन सी है, ठीक है। चलिए जल्दी से मैचिंग करके बता दूं, बताइए जल्दी जल्दी, आवाज क्लियर होगी तो आप तुरंत कमेंट करके बता देंगे कि मेरी आवाज आप तक जा रही है, सही जा रही है। ठीक है, इवान इली जॉन डेवी पॉलो फेरो और बर्डिट रसेल, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि इनकी पुस्तक का कौन सा नाम, ठीक है। इवान इलीच की बात करेंगे तो यहाँ इवान इलीच ने क्या दिया था, डी स्कूलिंग सोसाइटी,
और जॉन डीवी की कौन सी पुस्तक है भाई, यानी कि एक ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन सही है ठीक है। और जॉन डीवी की पुस्तक कौन सी है, एजुकेशन और सोशल ऑर्डर, बताइए जल्दी से। ठीक है चलिए, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। और इसका जॉन डीवी का क्या है, द लेबोरेटरी स्कूल इन्होंने है। पायलो फेरो की क्या है, पायलो फेरो की बात किया जाए तो बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है। और बर्डेड रसल की कौन सी है, बर्डेड रसल की पुस्तक जो है स्कूल एंड सोशल ऑर्डर। इंटीग्रल एजुकेशन किससे संबंधित है, तो इंटीग्रल एजुकेशन जो संबंधित हुआ अरबिंदो से है। अब क्लियर है आवाज, ठीक है चलिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नीतियों प्रतिवेदन में उनकी प्रस्तुति के आधार पर व्यवस्थित कोड के सही करिए। प्रोपेटेड डीपी चट्टोपाध्याय, चेयरपर्सन आचार्य राममूर्ति, शिक्षा की चुनौती नीति परिप्रेक्ष, और संशोधित नीति प्रतिवेदन 1986, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा जो कब आया था, 1982 और 85 था, आपको याद है, 83, 1983 और 85 में आता है। राममूर्ति, राममूर्ति की बात किया जाए तो 1990 में। शिक्षा की चुनौती नीति परिप्रेक्ष्य, शिक्षा की चुनौती एक नीति परिप्रेक्ष्य कब आया था, 1985, 1985 में आया था, जो 1986 की बात की जाती है। और संशोधित नीति की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 1992 करेंगे, क्या करेंगे, 1992 पे, क्योंकि आचार्य राममूर्ति यहाँ पे दिया गया। अब इसके अकॉर्डिंग में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले आएगा 83 और 85, ये जो शिक्षा का प्रतिवेदन पहला आया था 83 और 85 में, ठीक है। सही है बाबा जी, अरे ये इनको अगर 83 ही कर लिया जाए, और इनको 83 ही कर लिया जाए तो सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आएगा, पहला आएगा, पहले के बाद तीसरा आएगा, ठीक है। तीसरे के बाद कौन आएगा, फिर दूसरा आएगा, और दूसरे के बाद चौथा, यानी कि ऑप्शन हम कौन करेंगे, अगला क्वेश्चन है। प्रतिदर्श चयन की वह प्रक्रिया जिसमें प्रतिदर्श में चुने जाने के क्रम में प्रत्येक इकाई को समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हैं, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर अंग्रेजी में भी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, अंग्रेजी वाले भी देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंपल सिलेक्शन इन विच इज द यूनिट द गिवन एंड इक्वल एंड फिडेंट चांस टू बी द सिलेक्टेड इन द सैंपल इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। जहां पे स्वतंत्र रूप से हो, क्या हो, स्वतंत्र रूप से हो, किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, यानी कि ये है आपकी पूरी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से हमने सैंपल को सिलेक्ट किया, इससे रिजल्ट निकालते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं इसको, यहाँ पे करते हैं प्राचल या पैरामीटर कहते हैं, ये पूरी पॉपुलेशन, जीव संख्या और जनसंख्या जो भी कह सकते हैं, जहां पे सभी के बराबर बराबर चुने जाने की संभावना है वहां पे यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, रेंडम सिंपल प्रयोग करेंगे। नमस्कार दीदी, ठीक है, समझ में आ रही बात, राधे राधे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुविकल्प वाले प्रश्नों से प्रक्रिया करता है, यदि प्रत्येक पद की अनुक्रिया के संदर्भ में परिकल्पना का परीक्षण करना चाहता है, सर्वाधिक उपयुक्त जिज्ञासा स्वतंत्र
टी परीक्षण, एफ का स्क्वायर, संकेत। सबसे पहले जान लीजिए ये दोनों जो टेस्ट हैं वो प्राचलिक टेस्ट हैं। कैसे हैं? प्राचलिक टेस्ट हैं, यानी पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। और ये दोनों टेस्ट जो हैं ये अप्राचलिक टेस्ट। कैसे हैं? अप्राचलिक टेस्ट, अप्राचलिक टेस्ट, प्राचलिक और प्राचलिक। टी है, एफ है, का स्क्वायर, संकेत, ठीक है। यहां से आगे चलते हैं क्योंकि अंग्रेजी देखेंगे तब समझ में आएगा, अंग्रेजी जब देखेंगे तभी बात समझ में आएगी। बहु विकल्प वाले परीक्षण के मानकीकरण की प्रक्रिया में शोधकर्ता यदि प्रत्येक पद की अनुक्रिया के संदर्भ में परिकल्पना का परीक्षण करना चाहता है तो सांख्यिकी का प्रयोग करेगा। अब यहाँ पे आपको जानना है कि जब आपको टी टेस्ट देगा, ये टी का मतलब होता है स्कोर, यहाँ पे भैया ने गलत किया है, ये टी ये रहेगा, इसका मतलब होता है दो ग्रुप की तुलना करना, दो मध्यमानों की तुलना करना। जब दो से अधिक होगा तो एफ का यूज करेंगे, एनोवा का यूज करेंगे। काई स्क्वायर और साइन टेस्ट क्या होता है? अप्राचलिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन को सही करेंगे, इसको करेंगे। यहाँ दो से अधिक कहाँ पे दिया गया? कहीं आपको दिया गया है मल्टीपल चॉइस टेस्ट की बात की जा रही है, याद रखिएगा यहाँ पे कोई ग्रुप्स नहीं दिया है कि दो से अधिक ग्रुप्स की बात की जा रही है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों ध्यान से पढ़िए, ध्यान से चीजों को पढ़िए, यहाँ दिया है बहु विकल्प वाले प्रश्न की बात हो रही है, ना कि यहाँ पे दिया है दो या दो या दो से अधिक ग्रुप है, चार ग्रुप है, पांच ग्रुप है, इस तरीके की बातें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम तहत पांच विभिन्न राज्यों से सूचना एकत्र करने के लिए बेहतर शोध उपकरण निम्न में से होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया बताइए? 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू हुआ, ठीक है, लागू हुआ। अब यहाँ पे दिया गया है टूल, प्रेक्षण है, मूल आधारित है, प्रश्नावली है, जांच सूची है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी जहां बड़े लेवल पे आपको डेटा का कलेक्शन करना है, जैसे सर्वे रिसर्च हो गया, जैसे एनएपी 2020 का ड्राफ्ट बनाया गया, और ड्राफ्ट के बाद जब आपको डेटा का कलेक्शन करना है, इस तरीके की बातें आएंगी, तो आप क्वेश्चनायर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? क्वेश्चनायर का यूज करेंगे, यानी सी ऑप्शन को हम क्या करेंगे यहाँ पे? सही करेंगे, ऑप्शन को सही करेंगे बड़े लेवल पे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है उपलब्धि परीक्षण, अभियोग्यता, व्यक्तित्व, कार्य निष्पादन। यहाँ पे वैधता का प्रकार दिया गया है और यहाँ पे आपको मैचिंग करके बताना है कौन सा सही होगा। अब आपको एक चीजें हमने बताया था कि जब आपको भविष्य सूचक देगा, जैसे आपको टेट होता है, टीटी होता है, नेट होता है, जैसे, और नीट होता है, यानी कि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ये किसके लिए? बी का पहला ऑप्शन 100% सही होगा, और बी का पहला ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे आप करें तो शायद आपको बात समझ में आए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिया गया है अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट है, यहाँ पे एटीट्यूड है, ये क्या है, सॉरी एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, याद रखिएगा ये एप्टीट्यूड है। पर्सनालिटी टेस्ट है, टास्क परफॉर्मेंस, ये हिंदी से अंग्रेजी कन्वर्ट करने में ये प्रॉब्लम आती है, अंग्रेजी से हिंदी को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम ये आती है। यानी कि यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, प्रेडिकेटेड यानी भविष्य सूचक करेंगे, बी का पहला ऑप्शन यहीं पे है, और इसको हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन को सही। समझ में आ रही बात? चलिए, ऐप वाले स्टूडेंट हैं भाई, इसमें पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ऐप वाले स्टूडेंट हैं एजुकेशन के, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। क्लास को शेयर लाइक भी करते रहिएगा। गुड आफ्टरनून शिवानी जी, अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित किसकी सिफारिश के आधार पे 2015-16 के अकादमिक देश शिक्षा में बीएड कार्यक्रम की अवधि 2 साल कर दी गई? पढ़ाया गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन जो 4 बजे की क्लास चल रही है उसमें हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। बीएड एमएड को 2 साल कब से कर दिया गया? आपको याद है
वर्मा कमेटी, वर्मा कमेटी से ही क्या कर दिया गया, 2 साल का कर दिया गया, हमने आपको बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेट जार आपका आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वर्मा कमेटी बीएड कंट्री हैज विद द एक्सटेंडेड 2 ईयर्स फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के प्रस्तावक, सामूहिक, पदानुक्रमित, बुद्धि का भावात्मक, भावात्मक डेनियल गोलमैन, डेनियल गोलमैन 100% होगा। ये तो हम लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर डी का पहला ऑप्शन होगा। डी का पहला ऑप्शन दो जगह है, डी का पहला ऑप्शन दो जगह है, यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, सामूहिक किसने दिया था, सामूहिक कारक किसने दिया था। ठीक है, यूजीसी ने कहा कि सामूहिक कारक जो होता है वो बर्वन ने दिया था। पदानुक्रमित किसने दिया था, स्पीयरमैन का दो कारक है। हाँ, पदानुक्रमित जो है वो किससे संबंधित है, तो बर्ट से है, ये भी हो गया। ठीक है, और ये किससे बुद्धि का संरचना, गिलफोर्ड, क्या कोई मैच कर रहा है, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, और बी का पहले का चौथा हो गया, बी का कौन सा है, बी का तीसरा ऑप्शन, बी का तीसरा ऑप्शन नहीं है। बुद्धि की संरचना गिलफोर्ड सेकेंड, और भावात्मक एक, यानी कि यहाँ पे हमको करना पड़ेगा तब जा कर के काम होगा। उस जगह हो सकता है यही सही है, जो हमने मैचिंग किया है यही सही है। स्पीयरमैन का तो दो कारक सिद्धांत है भाई, स्पीयरमैन तो होगा ही नहीं 100%। ठीक है, स्पीयरमैन नहीं होगा। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक मिनट, सामूह कारक यहाँ पे सिद्धांत, बर्ट हो गया तीसरा पहले का, और इसके पदानुक्रमित सिद्धांत वर्णन का हो गया चौथा, और समूह कारक इसका हो गया सेकेंड का। हाँ, पहला ऑप्शन क्या होगा इसका, सही होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा इसका, सही होगा। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ा सा दिक्कत होती है, देखिए यहाँ पे कलेक्टिव आ गया, क्योंकि ये हिंदी में क्वेश्चन मिलते हैं, अंग्रेजी में नहीं मिला था, तो हमने इसको कन्वर्ट कराया, तो कुछ जगह समस्याएं आ जाती। सामूहिक का मतलब इन्होंने कलेक्टिव जानते हैं, अर्थ का अनर्थ कर वजह से हुआ। ए ऑप्शन क्या है इसका, सही होगा, स्पीयरमैन का इसमें जिक्र कहीं भी नहीं होगा, और हर जगह ये दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है, यानी इससे भी आसन को बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टालमैन ने अपनी प्रणाली में संशोधन पैड के प्रेरक से प्रस्तुत किया, समतुल विश्वास, अंतर्नोद विभेदीकरण, भावाभिनय, क्षेत्र संज्ञान। टालमैन ने अपने सिद्धांत में संशोधन करके 6 चीजों को बताया, भावाभिनय, तुल्यता विश्वास, क्षेत्र प्रत्याशा, क्षेत्र संढंग, कणोद विभेदन, पेशी प्रारूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, अंग्रेजी में भी देख लीजिए। ठीक है, यानी किस चीज को इन्होंने दिया था, भावाभिनेश को, किससे, फ्रायड से प्रेरित होकर के, ये भी आपको ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, जिसमें कैटेल, आलपोर्ट, फ्रायड, जुंग और एल्डर, उधर दिया गया है 5, इधर 6 दिया गया, 5 और 6 दिया गया है,
मैचिंग करेंगे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कैटेल आलपुर सबसे पहले देखेंगे। कैटेल 16 पीएफ दिए थे इन्होंने, और 16 पीएफ के साथ साथ इन्होंने क्या दिया था, तो ठोस और द्रव्य। याद होगा आलपोर्ट ने क्या दिया था, आलपोर्ट ने मुख्य और केंद्रवर्ती गौड़ दिया था। ट्रायड ने क्या दिया था, ट्रायड ने इड ईगो सुपर ईगो दिया था। ठीक है, इड ईगो सुपर। अगर यहां से भी क्वेश्चन को करना चाहें तो दो ऑप्शन क्या होंगे इसके, एक ही ऑप्शन आपका सही हो रहा है, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा इसका। जुंग ने क्या दिया था, जुंग ने अंतरनारी और अंतरनर दिया था। और एल्डर का क्या है, एल्डर का है श्रेष्ठता की चाह। ठीक है, एंडोमॉर्फ और एक्सोमॉर्फ किसने दिया था, की पॉइंट से करेंगे तो सिगमंड अरे फ्रायर से ही इड ईगो सुपर ईगो से काम हो जाएगा, आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन यहीं से हो जाए, इड ईगो सुपर ईगो, इड ईगो सुपर ईगो हिंदी अंग्रेजी में कन्वर्ट करने में, ये अंग्रेजी में हमको क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन जबरदस्ती हमने भैया से करवाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अंग्रेजी में भी क्वेश्चन आप दीजिए, इस वजह से ये समस्या आई। अगले क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। नीचे पांच प्रकार की अधिगम प्रकारता दी गई है, रॉबर्ट्स गैने ने बताया है, संकेत श्रृंखला, ये आठ स्टेप गैने ने दिया था, आपको याद होगा। ठीक है, याद है तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपको याद है सबसे पहले संकेत अधिगम आता है पहले नंबर, उद्दीपक अनुक्रिया दूसरे नंबर पे आता है, उद्दीपक अनुक्रिया दूसरे नंबर पे आता है। क्या पहले के बाद पांचवा कहीं है, पहले के बाद पहला यहाँ पे है, यहाँ पे पहले के बाद पांचवा नहीं आ रहा है, तो भी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, आगे आपको जाने की, क्योंकि आगे जाने का मतलब गलती, अगर कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपको पता है तो आगे मत जाइए, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तब तो कोई बात नहीं, गलती से बचेंगे, समय भी आपका बचेगा, दो चीजों को एग्जाम में याद रखिएगा, गलती से भी आप बचेंगे और उससे भी हो। ठीक है, यानी कि इसके बाद सिंगल लर्निंग के बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स आता है, और वो केवल यहाँ पे और कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। यहाँ देखिए चैन लर्निंग तुरंत नहीं आती है, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आयोग माध्यमिक और कोठारी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और शिक्षक शिक्षा पर 2012। ठीक है, इसको मैचिंग करके आपको अगला क्वेश्चन, इसमें आपको माध्यमिक शिक्षा की अगर बात, आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आप ऐप में पढ़े हमसे तो आपको मैंने, प्रसार सेवा विभाग बहुउद्देशी विद्यालय खोलने की बात भी किसने किया था, बहुउद्देशी विद्यालय भी खोलने के बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, सबसे पहले ताराचंद समिति। ठीक है, इसके बाद इसने, इसके साथ साथ में अगर हम बात करें शिक्षा आयोग, तो आपको याद है विद्यालय संकुल पड़ोसी विद्यालय की बात कौन करता है, आयोग करता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोई भी ऑप्शन सही हो, पहले हम देखते हैं। इसके बाद निर्दिष्ट लघु अवधि में सेवारत प्रशिक्षण की बात करते हैं। ठीक है, सेवारत प्रशिक्षण के बाद 2022 में जो सेवा पूर्व सेवारत के स्तर में सुधार के लिए वर्मा कमेटी आई थी, कौन सी, वर्मा कमेटी आई थी, इसलिए सी ऑप्शन को। तो समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही समझने में तो तुरंत आप बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात कोठारी आयोग करता है, प्री सर्विस एंड इन सर्विस में सुधार की बात कौन किया, वर्मा कमेटी 2012 में। ठीक है, जहां पे हमने सेवा विस्तार की बात की जाती है वो की जाती है माध्यमिक शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है संगठनात्मक विकास, और ये जीन पियाजे के द्वारा पूछा गया है, तो आप आंसर करेंगे देख करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया गया है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, रूप संक्रियात्मक। अगर हम देखें
तो उसके एज जो है वो दो जन्म से लेकर के कहीं कहीं 0 से भी दिया रहता है, 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष से 7 वर्ष है, 7 से 11 है और 11 से 15, ठीक है, 11 से 15। अब यहां से देखेंगे क्वेश्चन को, तो कौन सा ऑप्शन सही हो क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, देखिए अंग्रेजी हिंदी करने में डायनेमिक आ गया, ठीक है। तो ये किसकी बात करता है, ये बात करता है ऑब्जेक्टिव से संबंधित, वस्तु स्थायित्व की बात करता है। अंग्रेजी हिंदी करने में ही इसका थोड़ा सा मैटर गड़बड़ हुआ। सेकेंड जो कहता है वो किससे कहता है, रीजनिंग से बात करते हैं। तीसरा जो है वो जहां पे परावर्ती कॉन्सेप्ट की बात होती है, और लास्ट वाला क्या करता है, जहां पे हाइपोथेसिस बनाने की बात है, ठीक है, जहां पे हाइपोथेसिस निर्माण की, समस्या समाधान की। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, कोई भी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, कोई भी एजुकेशन से आप पेपर देंगे तो पहले से गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा, चाहे जैसे भी आएगा, पहले से गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा चाहे जैसे आए। आज हमको पढ़ाना है और क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं, नीति निर्माण में निहित सोपानों को बताना है। आज यूनिट सेकेंड का सेकेंड हमें कराना है, ठीक है। बताइए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या किया जाता है, नीति का हम क्या करते हैं, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेंगे। वर्तमान के बाद नीति का सृजन करेंगे, दूसरे नंबर पे आया। नीति के सृजन के बाद नीति का निर्णय लेंगे, तीसरे नंबर पे आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नियोजन करेंगे, चौथे नंबर पे। नियोजन करने के बाद फिर क्या आएगा, नहीं नियोजन नहीं, मूल्यांकन करेंगे। पहला हो गया विश्लेषण करना, विश्लेषण करने के बाद फिर नीति के विकल्पों का सृजन करेंगे, 2 नंबर पे आ गए। फिर हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे हम करेंगे जहां पे मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या करेंगे, एक नीति निर्धारित करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 5वें नंबर पे लाएंगे। 5वें के बाद फिर आएगा आकलन करेंगे, और फिर इसके बाद लास्ट में इसको कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। आज इसको पढ़ाना भी है। अगला क्वेश्चन है जस्टिस वर्मा कट, अध्यापक शिक्षा से संबंधित। क्या यशपाल समिति जब 2009 में आई, इससे पहले 1992 में और 93 में, ठीक है, एक 2009 में, ठीक है, जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 में और 2014 में एक्ट ला करके, और 2015 और 16 से बीएड एमएड को साल का कर दिया गया। चट्टोपाध्याय 1983-85 में, कोठारी आयोग 1964, और ठीक है, तो जस्टिस वर्मा कमेटी को क्या करेंगे, आंसर कर दें। हाँ क्या समस्या आ रही है राम नरेश जी, कोई दिक्कत आ रही है क्या क्वेश्चन नंबर 16 में? अगला क्वेश्चन, शिक्षक विद्यालय में इंटर सॉरी शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? छात्राध्यापक छात्राध्यापिका को जो इंटर्नशिप कराए जाते हैं, इंटर्नशिप किसके लिए कराए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 18,
इंटर्नशिप किसके लिए कराए जाते हैं, यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक अध्यापिका की क्या करना, सहायता करना, सहायता के साथ साथ उनके कौशलों को क्या करना, विकास करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटर्नशिप जिसमें कि असिस्टेंट को स्टूडेंट टीचर और ट्रेनिंग, अगला क्वेश्चन है जिसमें जीन पियाजे ब्रूनर डेविस आसोल लेवाई यूज, आपको याद है आत्मशाक्तिकरण समंजन अनुकूलन आधारित संगठनात्मक किसने दिया, याद है अग्रिम संगठन की कौन बात करता है, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, याद है कि नहीं याद है, दो चीजें तो याद ही याद होंगी। इस क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो जीन पियाजे ने, जहां में आत्मसात्तीकरण की बात करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे ऑप्शन किया जाए तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ब्रूनर ने क्या दिया था, अनुरक्षण अन्वेषण आधारित, जैसे अंग्रेजी में आइए, ठीक है अंग्रेजी में आइए तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चलेगा इंग्लिशन ऑब्सेशन कॉग्निटिव अप्रोच किसने दिया। स्कूल के बस्ते को बोझ को कम करने की सिफारिश, 4 केजी औसतन 4 केजी किसने कहा था बताइए, राममूर्ति 1990 में, 1986 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और डायट नवोदय विद्यालय, सब रटा दिए हैं हमने, हमने क्या किया है आपको हटा दिया। कौन सा आंसर होगा 20 नंबर का, 20 नंबर का आंसर यशपाल सिंह। निम्नलिखित में से सांख्यिकी तकनीकी का उपयोग केवल क्रम सूचक मापनी पर उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, चतुर्थक विचलन, छात्र का टी टेस्ट। तो सबसे याद रखिए दो चीजें, एक प्राचलिक टेस्ट होता है और एक होता है अप्राचलिक, अप्राचलिक टेस्ट। ठीक है, प्राचलिक टेस्ट अप्राचलिक टेस्ट, यानी यहां पे हम नामित का यूज करते हैं, क्रमित का यूज करते हैं, सॉरी उल्टा हो गया है ना, यहां पे हम नामित का यूज करते हैं और क्रमित का यूज करते हैं और यहाँ पे अंतराल और अनुपात का यूज करते हैं। अब सेम यही चीजें यहां लागू होंगी। ठीक है, सेम चीजें यहाँ क्या है लागू होंगी, कैसे लागू होंगी, जैसे हम बात करें ठीक है, जैसे हम बात करें टी टेस्ट एक क्या है, प्राचलिक टेस्ट, क्या है प्राचलिक टेस्ट है। अगर प्राचलिक टेस्ट है तो यानी अंतराल और अनुपात का यूज होगा, 100% होगा, यानी बी ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता, 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 तो ऑप्शन किसको करेंगे। समझ में आ रही बात, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, कोई समस्या नहीं हो। यहाँ क्रम सूचक की बात किया है, जबकि छात्र का टी टेस्ट प्राचलिक टेस्ट होता है, अंतराल अनुपात का यूज करते हैं, यानी कि अप्राचलिक टेस्ट नामित क्रमित का यूज करते हैं और वो होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, किसी बच्चे को कोई समस्या, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन है केस स्टडी, केस स्टडी के बारे में पूछा गया है, दृष्टि अध्ययन विधि निम्नलिखित में से अधिकतर गुणात्मक अनुसंधान के प्रारूप में, गुणात्मक अनुसंधान
ये सभी के सभी हैं, ठीक है। चलिए जल्द से आंसर कर दीजिए। समझ में नहीं आते, अच्छा जी, कोई सरल तरीका नहीं है, पढ़ना पड़ेगा मैचिंग करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ, कुछ जानते हैं प्रॉपर। यानी कि जब हम केस स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, केस स्टडी किसी एक व्यक्ति को, एथनोग्राफिकल रिसर्च, एथनोग्राफिकल रिसर्च क्या होगा, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अवलोकन का यूज करते हैं, और गुणात्मक में यहाँ भी क्या करते हैं, अवलोकन का, जहाँ गहराई से हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन की उनकी समस्याओं का समझ। अगला क्वेश्चन है ADDIE मॉडल के 5 अप्रोच है, यहाँ से आप नहीं जान पाएंगे, क्वेश्चन को अंग्रेजी में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, हिंदी में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं अंग्रेजी में आएंगे तो ADDIE मॉडल, इंडस्ट्रियल मॉडल 5 फेज कौन सा है, अप्रोच है, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है, इवोल्यूशन। लेकिन अगर फुल फॉर्म भी नहीं याद है तो काम नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे जो अप्रोच दिया है, अप्रोच नहीं होगा, अप्रोच नहीं होगा तो क्या होता है, एनालिसिस होता है, एनालाइज होता है, एनालाइज होता है, ठीक है, एनालाइज होगा, यानी ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, यहां पे हिंदी में पढ़ते हैं, स्मरण बोध अनुप्रयोग विश्लेषण मूल्यांकन सृजन अधिगम ब्लूम के वर्गीकरण का मूल घटक है, यानी किस आसन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है सेवा पूर्व अभ्यास प्रवर्तन और, यानी प्री सर्विस टीचर, प्रैक्टिस टीचिंग, प्रोडक्शन ट्रेनिंग, इन सर्विस टीचर। सेवा पूर्व की अगर बात करें तो सेवा पूर्व क्या होते हैं, जहां पे शिक्षण के ध्येय उद्देश्य समझे जाते हैं, शिक्षण के बारे में क्या है समझा जाता है, और अभ्यास क्या होता है, जहां पे कौशलों का हम क्या करते हैं, विकास करते हैं। प्रवर्तन शिक्षण क्या होता है, जहां पे कर्तव्य उत्तरदायित्व तो नव प्रयोग का, सेवा रस शिक्षण ज्ञान का उन्नयन करते हैं। जैसे अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन और ज्यादा समझ में आएगा, क्या होगा ज्यादा, यहां देखिए प्री सर्विस, प्री सर्विस अगर टीचर की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग एम्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अभ्यास वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्किल को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। और डॉक्टरी यानी कि ओरिएंटेड जो होता है वो नॉलेज होता है, और लास्ट में इन सर्विस क्या करते हैं, ये अपडेट करते हैं ज्ञान को, क्या करते हैं, अपडेट करते हैं नई नई चीजों को लेकर के। एक इतिहास एक समाज सुधारक की जीवनी विकसित करने के लिए एक शोध अध्ययन का, इतिहासकार समाज सुधारक की जीवनी, आपको इस शब्द को याद करना है, इस शब्द को क्या करना है, याद करना है। अगर शब्द को याद करेंगे, किसी जनजातियों पर रिसर्च किया जाता है, किसी घटना को लेकर के नई कसौटियों पर कस करके रिसर्च कर जाता है, पहले से थ्योरियों को बेस बना करके, और नरेटिव का मतलब होता है जहां इस तरीके के शब्द आपको मिलता है उसको नरेटिव आप क्या करेंगे, करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक परिमाण उपकरण की विश्वसनीयता के लिए सही, अच्छा होम साइंस में भी क्वेश्चन,
हम साइंस में हाँ विश्वसनीयता के लिए सही है, ठीक है। विश्वसनीयता के लिए क्या क्या सही है भाई? एक दिए गए उपकरण के लिए निश्चित किया गया परिणाम उपकरण स्कोर का अनेक साथ, विश्वसनीयता आपको याद है मैंने बताया है। एक प्रतिदर्श दूसरे पे भिन्न होते हैं, और आपको याद होगा विश्वसनीयता का मान 0 से लेकर के प्लस 1 होता है, माइनस इसका मान नहीं होता है। और इसके निर्धारण के लिए प्रतिदर्श का क्या होते हैं, इस ऑप्शन को करेंगे समझ में आई बात। यानी इसका मान माइनस में नहीं होता है, सहसंबंध -1 से +1 तक होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। डी यहाँ है, डी यहाँ है, और डी यहाँ भी है। देखिए डी डी यहाँ है। अगर थोड़ा मोड़ा क्लू आप अगर जानते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 100% आप गलतियों से बचेंगे। पेपर देने जाएंगे तब आप हमको याद करेंगे, जब आप पेपर देने जाएंगे बैठेंगे पेपर में तब आपको याद मेरी आएगी। अगला क्वेश्चन है विषय वस्तु वैधता, सम्मति वैधता, पूर्व कथात्मक और नहीं। पूर्व कथात्मक वैधता क्या होती है? पूर्व कथात्मक वैधता क्या होती है? अगर अंग्रेजी में भी होगा तो हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं है तो क्षमा चाहते हैं। तो आपको यहां से हाँ पीजीटी में रिसर्च नहीं है। विषय वस्तु वैधता, विषय वस्तु वैधता क्या है? जिस सीमा तक एक परीक्षण पाठ्यक्रम का अधिगम सामग्री का प्रतिदर्श ले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैचिंग हम कैसे कर पाए, कुछ बच्चे कह रहे सर मैचिंग क्वेश्चन इस तरीके से है। और समवर्ती वैधता क्या कहती है? जिस सीमा तक एक प्रतिदर्श स्कोर निर्वचन निकट से संबंधित परीक्षण, ठीक है। और पूर्व कथात्मक क्या कहता है? जिस सीमा तक परीक्षण स्कोर मापदंड संबंधी उस प्रस्ताव परिवर्त होता है। और निर्माण वैधता क्या कहती है? जिस सीमा तक कुछ बुनियादी मनोवैज्ञानिक लक्षणों को मापता है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? डी ऑप्शन। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा मैचिंग करने में जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक अन्वेषण अपने शोध में टाइप सेकेंडरी नल हाइपोथेसिस जो होती है वो बनाई जाती है, इसलिए रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में नल हाइपोथेसिस बनाई जाती है, और केवल नल हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है। और जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है तो दो प्रकार की त्रुटियां आती हैं, प्रथम प्रकार की त्रुटि और सेकेंड प्रकार की त्रुटि। सेकेंड प्रकार की त्रुटि को ही हम क्या कहते हैं? बीटा त्रुटि कहते हैं, बीटा त्रुटि कहते हैं। प्रथम प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं? अल्फा त्रुटि। यानी जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही हो उसको जबरदस्ती रिजेक्ट कर दिया जाए प्रथम प्रकार की त्रुटि, या उसी को अल्फा त्रुटि। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसे ही कहा जाता है सेकेंड प्रकार की त्रुटि या बीटा। ये केवल नल हाइपोथेसिस, क्यों? क्योंकि नल हाइपोथेसिस को ही केवल टेस्ट किया जाता है। असत्य होने पर भी शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेना, क्या करना? स्वीकार। सत्य होने पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देना, प्रथम प्रकार की त्रुटि, ठीक है। प्रथम प्रकार की। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्लास भी लगी है, क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, ठीक है। या तो आप कहें तो 10 मात्रात्मक शोध के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया निश्चित क्रम में चरणों का पालन है, उन्हीं क्रम में आपको बताना। मात्रात्मक शोध के बारे में पूछा गया है, आराम से संभल के आंसर दीजिए, बहुत जल्दीबाजी में आंसर। कौन सा आंसर हो? यहाँ पे दिया गया मात्रात्मक शोध के लिए डेटा एकत्र करने के निश्चित क्रम क्या है? डेटा एकत्र करने के जो निश्चित क्रम है वो कौन से हैं? तो सबसे पहले किस
टूल्स का यूज करना है उसकी पहचान करेंगे। विधि द्वारा प्रतिदर्श का चयन करेंगे, चयन करने के बाद अनुमति लेंगे, अनुमति लेने के बाद फिर अभियोजन करेंगे चार नंबर पे, और लास्ट में उपकरण का उपयोजन करेंगे। भी लास्ट में होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा। अंग्रेजी में भी देख लीजिए, ठीक है, पहले रिसर्च स्टेशन लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रबंधन POCDRB, ठीक है। अब इन चीजों में जानते हैं पोस्ट फॉर्म किसने दिया है, ठीक है। अगर हम ये जान लें कि बी ऑप्शन का कौन सा आंसर होगा, ठीक है, आपको पता है लूथर गुलिक ने पोस्ट फॉर्म दिया था, यहाँ साफ साफ लिखा है। अगर बी का चौथा ऑप्शन हो सकता है तो बी का चौथा ऑप्शन केवल यही हो सकता है, तो हमें और जगह जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको कहें ऑब्जेक्टिव MBO, MBO किसने दिया? पीटर डक्कर ने, ये भी हमने आपको रटाया है। एक्स वाई सिद्धांत किसने दिया है? ग्रेगर ने दिया। और PDCA आपको याद है, एडवर्ड डेमिंग ने दिया था, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करा ही देते हैं, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो करा देते हैं। किस ऑप्शन को करेंगे? दी, इसको हमने आपको बहुत अच्छी, MBO किसने दिया? पीटर डक्कर ने, आपको हमने बताया। पोस्ट कॉर किसने दिया? लूथर गुलिक, तब भी आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सहकालिक अधिगम के लिए कौन सा, सहकालिक का मतलब साथ साथ चलना, यानी कि लाइव जिसकी बात होगी, लाइव की बात होगी तो इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है भाई? सहकाली का तत्पर ऐसी घटना से है जिसमें कोई प्रतिभागी समूह एक समय में अधिगम रत रहता है, यानी कि लाइव एक समय में फीडबैक देता है। एक ऑप्शन तो सही है, ठीक है। समय अनुसूची अनुकूल करते नहीं, अपने अनुकूल नहीं कर पाएंगे आप कि जब आपकी मर्जी तब पढ़ पाए, बिल्कुल नहीं होगा। वास्तविक समय में फीडबैक देते हैं, वास्तविक समय में क्या करते हैं? फीडबैक देते हैं, और अपने गति से नहीं पढ़ पाएंगे, उसी समय पढ़ना होगा। एसी ऑप्शन कहाँ है भाई? एसी ऑप्शन, किसी कोई समस्या किसी बच्चे को? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है, यानी दिया गया है श्रृंकोनी, यानी जहां लाइव क्लास चलती है, और यहां बच्चा क्या कर रहा है, विच द ग्रुप ऑफ द पार्टिसिपेंट इंगेज लर्निंग द सेम टाइम में, सेम टाइम रियल टाइम फीडबैक भी मिल रहा है, रियल टाइम फीडबैक भी मिल रहा है। निम्नलिखित में से असहकालिक प्लेटफॉर्म कौन सा है, यानी जहां पे लाइव क्लास नहीं चलती है, जहां पे लाइव क्लास नहीं चलती है वो कौन? क्लास अच्छी लगे तो शेयर लाइव जरूर करें। चलिए भाई बहुत अच्छी, स्वागत है कृष्णा जी आपका, अगर फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन। क्या वेबेक्स असहकालिक है? नहीं, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग के साथ पढ़ाई होती है। मूडल, मूडल के साथ कैनवास, गूगल मीट, गूगल मीट भी नहीं होगा। गूगल मीट से क्या होता है, लाइव हम पढ़ते हैं, ये भी नहीं होगा। यानी बी और सी कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। किसी कोई समस्या आ रही है तो भाई बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस पे बल दिया गया, क्या सीखना है, कब सीखना है, कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है? यानी हाउ टू लर्न कैसे सीखना है। डी स्कूलिंग सोसाइटी किसने दिया भाई? डी स्कूलिंग सोसाइटी किसने दिया? डी स्कूलिंग सोसाइटी 1900
1971 में इवान इलीज की डी स्कूलिंग सोसाइटी है, क्या है? इवान इलीज की डी स्कूलिंग अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा प्राथमिक। अब एक स्टूडेंट यहाँ कह रहा था सर आप ऐसे ने ऐसे बता, ठीक है चलिए, यहाँ पे अल्पसंख्यकों की शिक्षा की कौन बात करता है, ये अनुच्छेद 29 में बात की जाती है, ठीक है। और प्राथमिक स्तर पर भाषा अनुदेशन की कौन बात करता है, शिक्षा का अधिकार कब किसमें बात की जाती है, 21 में, 2002 में, 86 संविधान संशोधन में। और शैक्षिक स्थापना की बात, अधिकार की बात किसमें की जाती है, इसमें। और 46 में किसकी बात की जाती है, कमजोर वर्ग के शिक्षा की बात की जाती है, कमजोर वर्ग की शिक्षा की बात की जाती है, इस ऑप्शन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि परख क्या है, परख क्या है भाई, कहाँ आपने नाम सुना है, जल्दी से बताइए परख कहाँ नाम आपने सुना, परख क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, एनएपी 2020 में आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अगर पीडीएफ आप पढ़ रहे होंगे निकाल करके आपको ये मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला क्वेश्चन, अगर वर्धा की 1937 में वर्धा कमेटी आई थी, राममूर्ति 1990 में आई थी, मुदालियर 1952 और 53 में आया था, कोठारी 1964 और 66 में आया था, 1948 और 49 में आया। अब आपको इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। सबसे पहले यही आया ए, सबसे पहले ए आया, हटा दीजिए ए आया तो यानी कि होगा ही नहीं, ए के बाद कौन आया, ए के बाद यहाँ पे फिर दूसरे नंबर पे आया क्या, ई, ए के बाद ई आया, इसको भी हटा दिया मैंने, ई के बाद कौन आएगा यानी कि तीसरे यानी कि सी आएगा, और सी यहाँ है, क्वेश्चन को क्या करेंगे, कोई समस्या तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया है पाठ्यक्रम प्रारूप को विकसित करने के लिए चरणों को बताइए, एक क्वेश्चन और कराएंगे इसके बाद, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले साक्ष्य जुटाएंगे, साक्ष्य जुटाएंगे, और साक्ष्य के बाद क्या करेंगे, साक्ष्य के बाद क्या करेंगे, फिर तैयारी करेंगे दूसरे नंबर पे, यानी ई के बाद, सी के बाद ए आ रहा है, सी के बाद ए कहाँ है, सी के बाद ए यहाँ पे है, साक्ष्य पहले आ जाएगा, फिर तैयारी करेंगे, तैयारी का विकास करेंगे, विकास करने के बाद फिर डेवलप और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर लास्ट में मूल्यांकन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2009 तैयार किया गया, आपको पढ़ाया गया, क्वेश्चन पढ़ाया हमने कि नहीं पढ़ाया है अपने भाई, बता दीजिए किसके द्वारा तैयार किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकेंड यूनिट के आपको, सेकेंड यूनिट में हमने एनटीए के पढ़ाया था एजुकेशन, याद है, ने पढ़ाया था, सॉरी किसने, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एनसीटी ने बनाया था, किसने बनाया, एनसीटी ने, एनसीएफटीई 2009, ठीक है। तो ये रहा आज के क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी तो स्कूली शिक्षा के लिए कार्य करता है बेटे, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए, क्लास को शेयर लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, अच्छी लगे तो भी, नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी जिनको एडमिशन लेना हो एडमिशन ले सकते हैं, न्यू बैच स्टार्ट है, कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल। ध्यान से पढ़ेंगे नफीस जी तो शायद याद। हाँ हाँ एंड कर दीजिए।